बलाद प्रतिमो भवम तुषानम परमस्वभावम कुवासना पास विनाशनाय कुवासना पास विनाशनाय नमोस्तु तस्मै तौशासनाय नमोस्तु तस्मै वीरशासनाय नमोस्तु तस्मै दिनशासनाय। प्रभु ईर शासन ना अणगार दिन शासन ना संगार सुभद्रा देवी ना हिया ना हार पिता कांतिबाई ना कुर दीपक खामे मी मिच्छामी अने वंदामी मंत्र ना आत्मसात करनार कलयुग ना कादव मा कमर समान तपोवन संस्थान आद्य प्रणता आ गुजरात नु गौरव राष्ट्र संत एवा श्री युग प्रधान आचार्य सम परम पूज्य पन्ना श्रवर्षी चंद्रशेखर विजय जी महाराज नो जय हो जय हो जय हो। अत्र उपस्थित गुजर मार मथेण वंदामी अहियां उपस्थित मोटाए मासीबा वाली मित्रों तथा वाला मारा माण मित्रों नमो नमः। आज ना मारा वक्ता ना विषय छे अचिंत चिंतामणि नौका जीना शासन से सारो चौदस पुराण समुद्धारो जस्त मण नौकारो संसारो तस्त किम कुण जो चौदह पूरा का सार है सर्व मंत्र शिरोमणि है जो शाश्वत है और तीनों लोक में प्रसिद्ध है ऐसे नौका मां मंदिर की महिमा अवर्णीय है जिसके एक अक्षर के जाप से सात सागरों को जिसके एक पद से पचास सागरों के आप नष्ट होते हैं जिसके एक बार के आपसे 500 सागर बम के और जिसके 108 बार के आपसे 54,000 सागर बम के आप नष्ट होते हैं ऐसे पाप नाशक नौकार महामंत्र का जाप करना कौन नहीं चाहेगा। सर्व मंत्र शिरोमणि नौकार में पंच परमेश्वरी को नमस्कार है या दुनिया कहती है या चमत्कार वहाँ नमस्कार परंतु जैन धर्म को स्वीकार नहीं हो जैन धर्म कहता है या नमस्कार वहाँ चमत्कार। महाभारत की कथा में एक प्रसंग है अश्वत्थामा ने अपना अंतिम नाश शस्त्र पांडव पर छोड़ दिया वह शस्त्र में से चारों ओर से अग्निजाला फेरने लगी और पांडव को जला देने के लिए आगे बढ़ने लगी। तब नाश शस्त्र को अंकुश में लेने के लिए श्री कृष्ण ने एक मार्ग बताया इस शस्त्र के सामने लड़ने का कोई अर्थ नहीं लड़ने से वह कभी पराजित नहीं होता यदि आपको बचना है तो नाश शस्त्र को नमस्कार करें अन्यथा नाश शस्त्र कभी वापस नहीं जाएगा। बचने के एक मार्ग को जानने के बाद पांडव सहित सभी ने नारायण शस्त्र को नमस्कार किया और जहाँ नमस्कार किया वहाँ चमत्कार हुआ नारायण शस्त्र वापस चला गया और पांडव की सेना बच गई। यह नमस्कार महामंत्र की चमत्कारी ताकत यह लोक में जो भी झुकते हैं वो सभी को अच्छे लगते हैं और जो अहंकार में अकड़े रहते हैं उनका बुरा हाल होता है। इस जगत में अन्य तमाम मंत्रों के जाप से उनके अधिष्ठायक देव देवता प्रसन्न होकर धन संतान आरोग्य आदि भौतिक सुखों के साथ अभिलाषा जरूर पूरी करते हैं परंतु जिन धन संतान आरोग्य से कुछ भी नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए वो तैयार नहीं होते हैं। जबकि नौकार मंत्र की कार्यशैली अलग है वो अभिलाषों को ही खत्म कर देता है। उसका सातवां पद सवो पाप पणासुणो परमेष्टि नमस्कार मंत्र उस मंत्र के जाप करने वाले को पाप कर्म और भोग सुख की पापासना को पूर्णतः खत्म कर देता है। इसलिए वह मंत्र खाली मंत्र नहीं परंतु मंत्राधिराज कहा जाता है। नौकार मंत्र में एक अन्य विशिष्टता है यहाँ कभी भी व्यक्ति पूजा नहीं है व्यक्ति का नाम नहीं है ना खाली गुण पूजा है इसलिए यह मंत्र इंटरनेशनल मंत्र कहा जाता है। यह नवकार मंत्र में आंत शत्रु को नष्ट करने वाले अरियंत भगवंत को नमस्कार है सिद्धत्व को पाने वाले से सिद्ध भगवंत को नमस्कार है पंचाचार से परिपूर्ण ऐसे आचार्य भगवंत को नमस्कार है आत्मा का सही ज्ञान प्राप्त करने वाले ऐसे उपाध्याय भगवंत को नमस्कार है सर्वत्र भगवंत के मार्गामी ऐसे साधु भगवंत को नमस्कार है। यहाँ कभी भी महावीर आचार्य ये साधु के नाम से नमस्कार नहीं किया गया है इसलिए मंत्र खाली जैनों का नहीं परंतु सर्व मंत्र बन गया है। तो चलो जिसके प्रभाव से रोडपति करोड़पति मोक्षपति बनकर दुर्गतिगामी सदगति पामी को पा गए और जिसके प्रत्येक अक्षर में 1008 विद्यादेवी स्थित है ऐसे नौकार मंत्र में लीन विलीन बनकर अपने आत्मा का कल्याण करें अंत तुम्हारा आत्मा मैं लेला सिद्ध स्वरूप आत्मा ने वंदन करी हमारा उत्तर ने पूर्ण कर।